कि लाहौर की आवाम है कि जो वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन इस वजह से इंतज़ामिया ने ये काम किया है कि ये अंडरग्राउंड ये देखें ये लगा दिए गए हैं। इसका ये है कि जो इधर लोग वन वे की आने की कोशिश करेंगे वो नहीं आ सकते, क्योंकि ये देखें ये कितने हार्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान मलिक। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं समनाबाद के इलाके पुंछ रोड पे हम मौजूद हैं। यह मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये यहाँ से यूटर्न लोग आ रहे हैं। ये देखें कि नीचे ये स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया अंडरग्राउंड, ये इसलिए लगा दिया गया है कि लोग इधर वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये अब ये नीचे अंडरग्राउंड स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है कि जो लोग वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी करते थे वो अब नहीं करते, क्योंकि लोग इधर बहुत ज़्यादा हादसा हो जाता था, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए हैं, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों में ये बहुत कह लें कि लाहौर की आवाम है कि जो वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन इस वजह से इंतज़ामिया ने ये काम किया है कि ये अंडरग्राउंड ये देखें ये लगा दिए गए हैं। इसका ये है कि जो इधर लोग वन वे की आने की कोशिश करेंगे वो नहीं आ सकते, क्योंकि ये देखें ये कितने हार्ड हैं, ये नहीं वन वे नहीं आ सकते। अगर जिसने भी आना वो यहाँ से गाड़ी नीचे आके आराम से ये गुजर सकती है। जो लोग हैं इधर के जो रहायशी हैं वो अब वन वे नहीं आ सकते, क्योंकि ये लोग इधर के वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी बहुत ज़्यादा करते थे। अब ये आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते, ये पास ही ये कट था जो यूटर्न बनाया गया था हुकूमत की जानब से, लेकिन आवाम जो थी वो यहीं से वन वे जाती थी, लेकिन अब ये इन्होंने ये स्पीड ब्रेकर अंडरग्राउंड बना दिया गया है कि आवाम जो वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी ना करे और कोई जानी हादसा ना हो सके। अब हमें दे इजाज़त, हम फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ, कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ मोहम्मद रिजवान मलिक, जहां न्यूज़ HD लाहौर। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।